हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा और सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो आज हम बना रहे हैं क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बनता है ये केक, क्योंकि ये क्रिसमस स्पेशल है तो इसमें बहुत सारे नट्स होते हैं। और आज मैंने ये बिल्कुल आसान तरीके से घर में रखे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ 1 कप मैदे से ये केक बनाया है, तो उसी हिसाब से मैं माप आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ 1/2 कप ऑरेंज जूस ले रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस है ये। अब इस ऑरेंज जूस में हमें नट्स को फुलाना है, तो मैंने 8 से 10 बादाम ले लिए हैं, 8 से 10 काजू ले लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ हरी किशमिश और काली किशमिश ली है। अब मैंने ले लिया है थोड़ी सी चेरियाँ और अब मैं इसमें डालूंगी टूटी फ्रूटी। तो यहाँ ग्रीन और रेड ले रही हूँ मैं, कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ खरबूजे के बीज ले रही हूँ। और अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला के फूलने के लिए छोड़ देना है करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे सोक कर सकते हैं। और अब इस केक के लिए हमें कैरेमल बनाना है। जो इस केक में डार्क कलर आता है फ्रेंड्स, वो इस कैरेमल की वजह से ही आता है। तो मैं यहाँ 1/2 कप चीनी ले रही हूँ और 1 बर्तन ले लिया है मैंने, थोड़ा गहरा बर्तन ही लीजिएगा आप। और इस चीनी को इस तरह से फैला लीजिएगा। और अभी इस चीनी को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगेगी और जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी आप इसे चला सकते हैं। तो इस तरह से आप चला लीजिएगा। चीनी का टेम्परेचर इस वक्त बहुत हाई रहता है तो आप अपना हाथ बचा के करिएगा। और फ्लेम को इस वक्त आप मीडियम हीट पे रखिएगा और धीरे धीरे देखिएगा कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, इसमें इस तरह का डार्क कलर आ गया है। तो गैस को आप बंद कर दीजिएगा और 1 मिनट का इसको रेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद आप ले लीजिएगा 1/2 कप पानी, उसमें आप थोड़ा सा पानी पहले डालिएगा और चीनी को चला लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें पूरा पानी डाल दीजिएगा, गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिएगा और चलाते हुए इसमें उबाल आने दीजिएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बिल्कुल सॉस में कन्वर्ट हो गया है। और जैसे ही आपको लगे कि ये बिल्कुल स्मूथ सॉस की तरह हो गया है, गैस को बंद कर दीजिएगा। चलिए, हमारे नट्स भी फूल चुके हैं तो अब हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन में मैंने बटर पेपर पहले से ही लगा के रखा है, बीच में हमने सर्कल काट के लगाया है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो साइड में बटर पेपर लगा है वो आपके केक टिन से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तो गाइस, मैं ये केक अवन में नहीं बना रही हूँ, गैस में बना रही हूँ। तो मैंने इस तरह का एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसके नीचे मैं थोड़ा सा नमक बिछा दूंगी और इसके ऊपर एक स्टैंड रख दूंगी। आप नमक नहीं डालना चाहते हैं तो जस्ट एक स्टैंड आप इस बर्तन के ऊपर रख दीजिएगा और इसे ढककर 10 मिनट के लिए कम आंच में छोड़ देंगे प्री हीट होने के लिए। अब बना लेते हैं बैटर। तो मैं यहाँ 1/4 कप दूध ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे बिना अंडे का बना रही हूँ इसलिए मैं दूध ले रही हूँ। आप दूध की जगह अंडा भी ले सकते हैं। और सेम 1/4 कप ही मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ और मैं यहाँ राइस ब्रैन ऑयल ले रही हूँ। आप बिल्कुल ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं लूंगी 1/4 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इतना मिलाइएगा फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए। तो ले लेंगे यहाँ पर एक छन्नी और यहाँ मैं 1 कप भर के मैदा ले रही हूँ। और अब इस मैदे में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब दूध पाउडर, और दूध पाउडर डालने से केक का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अब मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। तो मैंने 1 छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है, 1 लौंग ली है और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटी इलायची ली है। और इसे कूटकर हम पाउडर बना लेंगे और इसे भी हम मैदे में मिला देंगे। ये जो मसाले हैं ये क्रिसमस केक में ज़रूर से डाले जाते हैं, जो हम मार्केट से केक खरीदते हैं उसमें भी ये ज़रूर डाला हुआ होता है। और अब हम इसे छान लेंगे और इसे मिला लेंगे हम बिल्कुल अच्छी तरह से। और देखिए, अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें कैरेमल डाल दूंगी। तो पूरा कैरेमल मैं एक बार में डाल दूंगी और इसे हम वापस से मिला लेंगे और कर लेंगे इसे बिल्कुल हम बैटर की तरह। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही है इसकी। और अब इसमें जो नट्स हमने फुला के रखे हुए हैं वो इसमें हम डाल देंगे। तो बिल्कुल ऑरेंज जूस की सही थी, इसमें पूरे नट्स डाल दीजिएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिला लीजिएगा। तो कट एंड फोल्ड मेथड से इसे आप मिलाइएगा। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालूंगी और 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा डालूंगी। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें पानी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और इसे भी हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। और अब बिना देर किए इस बैटर को हमें केक टिन में डाल देना है। तो केक टिन में हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे और केक टिन को 3 से 4 बार आप टैप कर लीजिएगा ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएं।
चूंकि गाइस ये क्रिसमस केक है तो इसके ऊपर भी बहुत सारे नट से हम सजाते हैं। आप चाहें तो अभी इसे नट से सजा सकते हैं, लेकिन अभी जब ये बेक होगा तो ये काफ़ी हद तक फूलेगा और जितने भी नट्स हमने सजाए थे वो बिल्कुल अंदर की तरफ दब जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें थोड़ी देर बाद नट्स को सजाऊंगी। तो अभी हम इसे ढककर करीब 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे और 25 मिनट के बाद मैं केक को खोल लूँगी। गाइस 25 मिनट से पहले आप इसे बिल्कुल भी मत खोलिएगा, वरना जो केक है वो बिल्कुल अंदर की तरफ दब जाएगा। और बिल्कुल आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स से आप इसे बिल्कुल अपने हिसाब से सजा सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये काम आपको बहुत जल्दी करना है, केक को हमें बहुत देर तक खुला नहीं छोड़ना है। और जैसे ही ये सज जाएगा इसे हमें तुरंत ही ढक देना है और वापस इसे बेक करने के लिए छोड़ देना है 25 मिनट के लिए। यानी कुल मिला के हमें इसे लगभग 50 मिनट के करीब बेक करना है और 50 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो जाएगा। तो ये पका है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप एक टूथपिक ले लीजिए और उसे केक में इस तरह से डालिए, और अगर देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर आ जाती है तो ये बिल्कुल पक चुका है। और अब आप केक को बाहर निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो गाइज ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप इसे डीमोल्ड कर लीजिएगा। और जब आप इस केक को देखेंगे ना खुद तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये इतना प्यारा सा क्रिसमस केक आपने घर में बनाया हुआ है। तो आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे सभी प्यारे से दोस्तों को मैरी क्रिसमस।